हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजूर डेटा फैक्ट्री प्लेलिस्ट के 13वें वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टम्बलिंग विंडो ट्रिगर क्या होता है, अजूर डेटा फैक्ट्री में डेमो कैसे हम क्रिएट करेंगे टम्बलिंग विंडो, ठीक है, ट्रिगर फ्रॉम द पोर्टल से, और एडवांटेज क्या होते हैं टम्बलिंग विंडो ट्रिगर के, ठीक है। आज के एजेंडे में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला, टम्बलिंग विंडो होता क्या है। ओके, टम्बलिंग विंडो ट्रिगर आर टाइप ऑफ ट्रिगर दैट कैन फायर एट अ पीरियोडिक टाइम इंटरवल फ्रॉम स्पेसिफाइड स्टार्ट टाइम वाइल रिटेनिंग इंटरवल। इसका मतलब है कि टम्बलिंग विंडो ट्रिगर होता है जो फायर होता है एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल पर। जैसे पीरियोडिक टाइम इंटरवल से होता है एक स्पेसिफाइड होता है स्टार्ट टाइम। मतलब यह है कि जैसे हमने टाइम स्पेसिफाइड कर दिया है, जैसे मुझे कल 10 बजे से ट्रिगर हमारा फायर होना है, और पीरियोडिक टाइम इंटरवल मतलब होता है कि हमें 10 बजे हर 15 मिनट पर ट्रिगर फायर करना है, या हर घंटे पर ट्रिगर फायर करना है, या हर 2 घंटे पर ट्रिगर फायर करना है, या हर 5 घंटे पर ट्रिगर फायर करना है। एक पीरियोडिक टाइम हो गया आपका, ठीक है, इस बेस पर फायर करना है आपको ट्रिगर को। तो कल जैसे हमने 10 बजे बोल दिया कि हर घंटे फायर करना है, 10 बजे फायर होगा, 11 बजे फायर होगा, 12 बजे फायर होगा, 1 बजे फायर होगा, ऐसे करके वो हर घंटे पे टिल जब तक आप इन डेट जब तक आप प्रोवाइड जहाँ तक प्रोवाइड करोगे वहाँ तक वो ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर होगा। ये दूसरा मेन है कि इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट डेट से भी ट्रिगर फायर हो सकता है, ठीक है, पास्ट टाइम से ट्रिगर फायर कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम जब इसका वीडियो डेमो करेंगे उसमें आपको हम शो दिखा देंगे हम, ठीक है। टम्बलिंग विंडो ट्रिगर हैज 1-to-1 रिलेशनशिप विद पाइपलाइन। ओके, दैट इसका मतलब बताया कि टम्बलिंग विंडो क्या होता है कि आपका पाइपलाइन साथ 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ये हमेशा आपको एक पाइपलाइन एक ट्रिगर के साथ आपका एसोसिएट होगा, ठीक है। दूसरे एक जबकि आपका सीरियल ट्रिगर क्या होता था, वो आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मेंटेन करता था ट्रिगर एंड पाइपलाइन के बीच में। यहाँ पर 1-to-1 ट्रिगर रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। आगे हम डेमो दिखाएंगे आपको हम एक ऐसे है, ठीक है। चलिए हम डेमो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो डेमो है, हमने एक सिंपल क्या किया है कि मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, डेटा में मेरा जो कॉपी हो रहा है, यहाँ पर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे ब्लॉब है, देख लीजिए एम्प्लॉय CSV नाम का ब्लॉब है, ठीक है, इसी डेटा को हम कॉपी करेंगे आउटपुट में। इसके लिए हमने क्या किया है, सिंपल एक हमने कॉपी एक्टिविटी लिया हुआ है, कॉपी एक्टिविटी में हमने ये बना रखा है, देख लीजिए आप यहाँ पर जाएंगे, आप इसको हम मिनिमाइज करते हैं। सोर्स में देखेंगे आप तो हमने सेम आप देख लीजिए इनपुट डेटा लिया हुआ है, एम्प्लॉय लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आप डेस्टिनेशन पे जाएंगे आप सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका आउटपुट, इसी में आपका डेटा कॉपी होगा, ठीक है। चलिए हम इसको भी अब हम स्टार्ट करते हैं टम्बलिंग विंडो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। इसी पाइपलाइन पे टम्बलिंग विंडो क्रिएट करते हैं। टम्बलिंग विंडो ट्रिगर हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ट्रिगर हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा माइनस के अंदर जाएंगे हम, यहाँ से आप ट्रिगर के अंदर से आप ऑथर के अंदर ट्रिगर यहाँ भी ट्रिगर आप क्रिएट कर सकते हैं, दोनों सेम है। चलिए हम अभी हम पाइपलाइन के ऊपर से ट्रिगर क्रिएट करते हैं। ओके, हमने न्यू ट्रिगर क्रिएट करना है, यहाँ पर आइए न्यू ट्रिगर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर नाम दे दीजिए, विंडो ट्रिगर। ओके, टाइप ऑफ ट्रिगर हमें टम्बलिंग विंडो ट्रिगर करना है। शेड्यूल ट्रिगर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था ना स्पेसिफाइड स्टार्ट डेट, ये आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट UTC में ही मिलेगा आपको। UTC मतलब एक यूनिवर्सल टाइम होता है, जैसे आपको इंडिया टाइम चाहिए तो इसमें आप 5.5 घंटे आप जोड़ देंगे आपको इंडिया टाइम ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला हमें स्पेसिफाइड टाइम पहले स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कब से हमें स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बोल दिया भाई मुझे क्या करना है, तुम 10 बजे स्टार्ट करो, 10 यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ 10, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ भी ले सकते हैं 10 AM से। जैसे मैंने बोल दिया भाई यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आप 10 AM, मैंने यहाँ पर 00 कर लिया सर 10 AM, और यहाँ भी आपका टाइम जो आपका है ये भी आप 0 कर दीजिए, सेकेंड भी 0 कर देते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको 10 AM कर लेते हैं, ठीक है। 10 AM से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं बोला था कि आपका पीरियोडिक टाइम इंटरवल ये क्या होता है, जैसे हमने बोला 10 AM से स्टार्ट होगा, अभी बाइडिफॉल क्या है हर 15 मिनट पर ट्रिगर स्टार्ट होगा, जैसे 10 बजे स्टार्ट होगा 10:15 पर स्टार्ट होगा,
दस तीस पे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं हमें आवरली बेस करना है, मैंने आवरली बेस कर दिया, अब मैंने आवरली बेस हर एक घंटे ट्रिगर मैंने स्टार्ट कर दिया, हर एक घंटे ट्रिगर आपका फायर होगा है, पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करेगा। हमने इन टाइम मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, जैसे मैंने डिफॉल्ट टाइम में अभी जो है 4 PM पे बंद जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे क्लियर करते हैं एडवांस में। डिपेंडेंसी जो होती है टम्बलिंग विंडो का, इसका एडवांस फीचर होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में एक सेशन बनाएंगे, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रिगर हमने क्रिएट कर दिया, अब पब्लिश करते हैं ट्रिगर को। ये पब्लिश हो रहा देखिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पर भी जाके देखेंगे आप, तो देखिए एक ट्रिगर आपका क्रिएट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी स्टार्ट भी है ट्रिगर, यहाँ से आप ट्रिगर को स्टॉप भी कर सकते हैं, एज पर रिक्वायर ट्रिगर स्टॉप स्टार्ट भी कर सकते हैं। अभी ये डिफॉल्ट स्टार्टेड है, ठीक है, ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया है। अभी आप देखिए ट्रिगर फायर हुआ कि नहीं है, अब यहाँ पर जाएंगे आप देखिए मॉनिटरिंग सेक्शन में, ठीक है। देखिए ये देखिए ऑटोमेटिक एक ट्रिगर फायर हुआ देखिए, ठीक है। अभी हर घंटे पर ट्रिगर ऑटोमेटिक देखिए फायर करेगा ये, ठीक है। ये आपका देखिए फायर हो गया। अब ये ट्रिगर फायर हो गया है और डेटा हमारा मतलब देखेंगे आप, तो ये आपका डेटा जो है कॉपी भी हो गया हो देखिए, देखिए एक डेटा आपका देखिए यहाँ पर कॉपी हो चुका है, ठीक है। ओह सॉरी, स्टार्ट टाइम मैंने बट हुआ 3 बजे से कर लिया था, ठीक है। इसी वजह से एक बार सिर्फ फायर हुआ है, 3 बजे से लेकर 3:59 के बीच में सिर्फ एक बार ट्रिगर फायर हुआ है। यही टाइम में मैंने बैक किया होता तो और तक फायर होता, या मैं इस टाइम को और बढ़ा दिया होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको कर देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 6 PM कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए और भी ट्रिगर यहाँ पर फायर हो जाएगा, जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा 3 से 6 के बीच में जितनी बार आपका इंटरवल आएगा उतनी बार ट्रिगर ये ऑटोमेटिक फायर कर देगा। भी ये पब्लिश हो रहा है, याद रहे कि हमेशा पब्लिश होने के बाद ही ट्रिगर आपका फायर होता है। अब एक घंटे फायर होगा, इसका मतलब ये है हमें एक घंटा वेट करना पड़ेगा, कि जैसे अभी हमारा ट्रिगर फायर हुआ है, कितने बजे फायर हुआ है हमारा 3 बज के, आपका मैं ट्रिगर टाइम देखूंगा, मैं आपका 3 बजे फायर होगा, ये 4 बजे फायर होगा ये, ठीक है। फिर ये आपका मतलब कि 5 बजे फायर होगा, फिर 6 बजे फायर होगा, तो ये हर घंटे पे आपका एक पीरियडिक इंटरवल टाइम पे ट्रिगर आपका फायर होगा, ओके। ये आपका वीडियो, ये आपका मतलब टम्बलिंग ट्रिगर होता है। दूसरा मैंने बताया कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इसका मतलब क्या है कि हम जैसे हमारे पास ये ट्रिगर है, इस ट्रिगर को मैं सिर्फ इसी पाइपलाइन पे यूज कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास एक और पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन पे जाऊँगा मैं, देखूंगा अगर मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ट्रिगर देखिए यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। यही अगर आपका शेड्यूल ट्रिगर होता है तो यहाँ पर वो भी लिस्टेड हो जाता है, कि मतलब कि आप वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इसलिए वो आप दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये टम्बलिंग विंडो का डेमो है, मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखा दिया, ठीक है। तो मैंने अभी एक घंटे किया, हर एक घंटे फायर हुआ है ऑटोमेटिक, तो इसमें अभी मतलब टाइम लगेगा फायर होने में, ओके। और उसके बाद चलिए हम अपने PPT पाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है, 1-to-1 रिलेशनशिप और एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल से फायर होता है, स्पेसिफाइड टाइम क्या होता है, ठीक है, मैंने फायर कर दिया। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, टम्बलिंग विंडो एडवांटेज क्या होता है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि यू कैन क्रिएट ट्रिगर डिपेंडेंसी। एक क्या होता है कि एक बहुत अच्छा फीचर होता है ट्रिगर डिपेंडेंसी, जैसे मतलब आपके पास 2 पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन जैसे आपका है कि मैं मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है मुझे 4 बजे आ रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि पहला जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो गेट कर रहा है उस मतलब एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, दूसरा है वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड हमारे को डेटाबेस में सेव होने के बाद उसके बाद हम डेटा उस पर प्रोसेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि पहला जब सक्सेसफुली हो जाए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कॉपी हो जाए, तभी हमारा जो है दूसरा डेटा, दूसरा पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ट्रिगर डिपेंडेंसी बनाते हैं कि प्रीवियस हमें पाइपलाइन हमारा सक्सेस है तभी हमारा दूसरा पाइपलाइन आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये ट्रिगर डिपेंडेंसी होती है। इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यू कैन क्रिएट आल्सो यू कैन क्रिएट सेल्फ डिपेंडेंस ट्रिगर। मतलब ये है जैसे आपके पास ट्रिगर है, आपने हर घंटे फायर किया हुआ है, आप ये भी चेक कर सकते हैं
टिकट तो ठीक है 8 बजे फायर हो रहा है 9 बजे फायर हो रहा है, भाई चेक कर सकते हैं भाई प्रीवियस 9 बजे फायर होने जा रहा है टिकट, तो प्रीवियस आपका टिकट फायर हुआ था कि नहीं हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था नहीं हुआ था, ये भी आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस फायर हो तभी फायर हो, अदरवाइज टिकट फायर ना हो, ठीक है। आप यू कैन रन पाइपलाइन पास्ट एंड फ्यूचर डेट, दोनों में पास्ट टाइम में भी रन कर सकते हैं, फ्यूचर टाइम में भी आप ट्रेन रन कर सकते हैं, ठीक है। आप भी क्या कर सकते हैं कि मतलब कि यू विल बी हैविंग एक्सेस टू विंडो स्टार्ट टाइम एंड विंडो इन टाइम यूजिंग द बिलो सिस्टम प्रॉपर्टीज, मतलब यह है कि आप ट्रिगर का फायर आपका ट्रिगर जो है आपका स्टार्ट टाइम क्या था लास्ट इन टाइम क्या था दोनों आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होती है ट्रिगर आउटपुट डॉट विंडो स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, इन दोनों प्रॉपर्टी के थ्रू आप ट्रिगर का आप मतलब कि स्टार्ट एंड एंड टाइम गेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके हमने डेमो कर दिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मतलब कि डिस्कस करेंगे ट्रिगर डिपेंडेंसी क्या होती है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।